से कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी वहां पर भी आज नामांकन भरने जा रहे हैं और चित्रकूट विधानसभा से प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम में सीएम और पीसीसी अध्यक्ष शामिल होंगे और बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीराम कश्यप भी आज नामांकन भरने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीराम कश्यप के नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। नामांकन से पहले आम सभा भी आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ की चित्रकूट विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी ने जहां इस सीट पर पूर्व विधायक लक्ष्मीराम कश्यप को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से जगदलपुर ग्रामीण अध्यक्ष राजमन बेंजाम को टिकट मिली है। चित्रकूट विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस अपनी इस सीट को वापस हटिया लेती है तो पूरा बस्तर संभाग बीजेपी मुक्त हो जाएगा और इस कारण कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है। वहीं बसपा भाजपा बस्तर संभाग में एक सीट बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। इस लिहाज से चित्रकूट उपचुनाव कांटे की टक्कर के साथ ही बेहद दिलचस्प होने वाला है। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं। बस्तर संभाग में पहले बीजेपी का दबदबा था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। हेमंत, जैसे हम देख रहे हैं कि चित्रकूट जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी है और साथ में नामांकन भरने की प्रोसेस शुरू होने वाली कुछ ही देर के भीतर, तो क्या कुछ तैयारी पार्टी ने करके रखी है? कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। देखिए शरद, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान पहले ही हो गया था। वहां से कांग्रेस ने जो वहां बस्तर के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं राजमन बेंजाम, उनको टिकट दिया है और कल भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है। पहले ही ये अंदेशा जताया जा रहा था कि लच्छूराम कश्यप को वहां से मौका मिल सकता है और उस पर मुहर पार्टी आलाकमान लगाई है और वहां से लच्छूराम कश्यप भाजपा के उम्मीदवार होंगे। दोनों कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आज नामांकन भरने जा रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजमन बेंजामिन वो पर्चा दाखिल करेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो वहां के लोकल नेता हैं, चाहे दीपक बैज की बात की जाए, चाहे जगदलपुर के विधायक की बात की जाए, सभी वो नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके पहले नामांकन के पहले एक आम सभा वहां पर होगी और आम सभा को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लच्छूराम कश्यप, वो भी आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उनके जो नामांकन कार्यक्रम में जो पूर्व माफ करिए जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे और नामांकन के पहले एक आम सभा होगी और आमसभा के जरिए वो मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आज दोनों पार्टियों के लिए रहेगा क्योंकि दोनों पार्टियों के जो तमाम दिग्गज नेता है वो जगदलपुर में मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से ये अभी कहा जाए कि आज से चित्रकूट उपचुनाव की जो दंगल की शुरुआत हो गई है और काफी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। 21 अक्टूबर को वहां चुनाव होने हैं, 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है तो बस्तर से पूरी तरीके से सफाया भाजपा का हो जाएगा और अगर भाजपा इस चित्रकूट उपचुनाव में जीत हासिल करती है तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए रहेगा क्योंकि यह सीट कांग्रेस की ही थी। दो बार से लगातार दीपक बैज वहां से जीते थे लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और बस्तर से वो सांसद बने जिसके बाद से वो सीट खाली है। तो दोनों पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो एक तरीके से बढ़त उनको मिली हुई है क्योंकि हाल ही में दंतेवाड़ा का उपचुनाव हुआ है, वहां पर एक जबरदस्त जीत कांग्रेस
कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति कर्मन किया है, तो इस लिहाज से कांग्रेस को बढ़त यहाँ पर दिख रही है। और दीपक बैज, मैंने बार बार ये इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जो दीपक बैज हैं उनकी जो छवि है वहाँ पर काफी बढ़िया है, तो उनको उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और जो 9 महीने की सरकार ने जो काम किए हैं उस आधार पर वोट वहाँ पर कांग्रेस मांगे। हेमंत, जिस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो 2 प्रभारी मंत्री है वो मोर्चा संभालने की तैयारी में, और बात करें बीजेपी की तो वो भी कमर कसकर तैयारी कर रही है, तो हम नामांकन के बाद की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे दिग्गज रहेंगे जो दोनों प्रत्याशियों के उनके सपोर्ट में उतरेंगे? देखिए, दंतेवाड़ा उपचुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस की ओर से पूरी तरीके से जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो 1 महीने वहां पर डटे हुए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद करीब 4 से 5 बार वहां दंतेवाड़ा में जाकर आम सभा उन्होंने किया था। और भाजपा की बात की जाए तो पूरी जो चुनावी कमान है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ही हाथों में हुई थी। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भाजपा के विक्रम उसेंडी, वो किस तरीके से पूरे दंतेवाड़ा उपचुनाव के दौरान गायब थे, वो सभी को देखने मिला था। अगर पूरे नेतृत्व अच्छा ये बताइए, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह दंतेवाड़ा उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को शिकस्त मिली थी, ऐसे में क्या लगता है कि अब किस तरह की रणनीति बनाएगी बीजेपी? देखिए, जिस प्रकार की गलती दंतेवाड़ा उपचुनाव ने बीजेपी ने की थी, उस गलती को बिल्कुल बीजेपी नहीं दोहराना चाहती। इसलिए परसों प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में उम्मीदवार का नाम का ऐलान तो हुआ था, लेकिन इसके साथ ही तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई थी कि किस प्रकार की तैयारी वहां पर है, किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए और जो विफलताएं हैं सरकार की उसको किस प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए। तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने एक आक्रामक जो बैठक है वो की थी। अब हालांकि उसका क्या परिणाम होगा ये तो 21 अक्टूबर के बाद और जो 24 अक्टूबर के नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो गलती उन्होंने दंतेवाड़ा की थी कि सिर्फ सहानुभूति वोट बटोरने का एक मुद्दा उनके पास था और इसके अलावा विकास का एजेंडा उनके पास नहीं था, बस दंतेवाड़े में वो क्या करने वाली है भी उनके पास मुद्दा नहीं था। तो ये सभी चीजों को बुलाकर अब बीजेपी को ये तैयारी करनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर वहां पर प्रदर्शन किया जाए और जो सरकार की नाकामी है उसको वहां पर गिनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी रणनीति बनाती है और किस तरह से जो कांग्रेस लगातार जीत रही है उस पर कब विराम लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश